Hi guys, welcome to Exponential Career Campus, an initiative by an IITN. This is lecture 2nd of permutation and combination. So, we have discussed the basics in our first lecture. Uh, right now, we are studying only the formula of NCR, and we are doing the question which is based on this formula. There is one more formula, NPR which will be used in our next upcoming videos okay so we have discussed the three questions till now today i will discuss the question number 4 and 5 and sheet is in uh, the link of the sheet is given in the description you can download the sheet directly from there okay let's do so first of all i will do the question number 5 here okay so given a convex polygon of nine sides एक पॉलीगन है जिसके नाइन साइड ये शीट का क्वेश्चन नंबर पाँच है मैं क्वेश्चन नंबर चार को उसके बाद डिस्कस करूंगा ओके गिवन अ कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ नाइन साइड्स फाइंड इट्स टोटल नंबर ऑफ डायगनल्स इसके कितने डायगनल्स होंगे ठीक है एक पॉलीगन दिया है जिसकी नौ साइड्स हैं ओके जिसकी नौ साइड्स हैं तो एक पॉलीगन बना लो आप ठीक है पॉलीगन गुड भी कुछ भी हो सकता है आप देखो जोमेट्री पर इतना मत जाना एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नो, no. ठीक है ठीक है ऐसे कुछ एक पॉलीगन बन गया जिसकी नौ साइड्स हैं, ठीक है मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर नौ पॉइंट्स दिए हैं अगर नौ पॉइंट्स दिए हैं तो उनसे बनने वाली टोटल लाइंस कितनी होती है टोटल लाइंस होती है नाइन सी टू एक्चुअली मैंने बताया एन सी टू ठीक है तो इन्होंने ये बोला है कि कन्वेक्स पॉलीगन दिया है और इसका आपको डायगेल बताना है तो ठीक है मतलब नौ पॉइंट्स दिए नौ साइड्स दिए मतलब नौ वर्टिस दिए नौ वर्टिस दिए तो इनने बन, इससे बनने वाली लाइनें कितनी होगी नाइन सी टू इससे बनने वाली लाइन होगी नाइन सी टू बट जब इसमें नाइन सी टू पर हमने वो बनाया तो इसमें वो साइड्स वो लाइन भी तो इंक्लूड हो गई जो इस पॉलीगन की क्या है साइड्स इस नाइन सी टू से क्या क्या बनेगा इस पॉलीगन की साइड प्लस डायगेल ठीक है मतलब जब हमने नौ पॉइंट्स को मिलाया तो इससे जितनी टोटल लाइन्स बनी उनसे कुछ साइड्स होंगी और बाकी बचे क्या, तो बच, तो क्या होंगे डायगनल होंगे तो अच्छा इससे बनी हुई साइड्स कितनी है एक्चुअली केवल नाइन ठीक है तो बचे क्या होंगे डायगनल तो इसका आंसर क्या होगा नाइन सी टू माइनस नाइन एक पॉलीगन दिया है जिसके नाइन पॉइंट्स हैं नाइन पॉइंट्स से तो बनने वाली लाइन कितनी होती है नाइन सी टू और जब नाइन पॉइंट्स दिए हैं तो इससे बनने वाला जो डाइ है वो क्या है एक पॉलीगन है तो पॉलीगन से नाइन सी टू से जितनी लाइनें बनी उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा साइड इंक्लूड होगा और डायगनल इंक्लूड होंगे तो हमने चेक कर लिया कि भाई साइड्स साइड्स कितनी है हैं इसकी नाइन तो बची हुई क्या होंगे तो बोल दू सपोज एन प्लस नाइन प्लस एक्स कर दू तो नाइन प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा नाइन सी टू तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी नाइन सी टू माइनस नाइन ये इसके क्या होगी डायगनल की संख्या नंबर ऑफ डायग्नल कितने होंगे नाइन सी टू माइनस नाइन ओके सो यदा क्वेश्चन नंबर पांच अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर चार जो आ, इस डायगनल और ट्राइंगल वाला जो सेक्शन है इसका सबसे कठिन क्वेश्चन है वो ठीक है जिसका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर चार है क्या ओके क्वेश्चन नंबर चार वेर इज अ कन्वेक्स पॉलीगन ऑफ टेन साइड्स एक कन्वेक्स पॉलीगन दिया है टेन साइड्स का फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ज्वाइंस इट्स वर्टस सच दैट नो साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज सेम एज एनी साइड ऑफ द पॉलीगन पहले देखो टेन साइड्स का एक पॉलीगन है तो हम टेन साइड्स बना लेते हैं पॉइंट बनाते हैं वन टू थ्री फोर फोर फाइव, सिक्स सेवन एट नाइन टेन मिलाना शुरू करो ज़रा भाई सा वन टू थ्री ठीक है फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन बन का टेन इसका पॉइंट ज़रा मैं काट लेता हूँ इससे क्या होगा आसानी हो जाएगी आपको गिन नाम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और J। देखो इन्होंने बोला कि एक पॉलीगन है जिसकी दस साइड्स है एक पॉलीगन है जिसकी दस साइड्स है मैंने बना दिया कैसा पॉलीगन जिसकी दस साइड्स है ठीक है और तुम्हें इससे तो बनने वाले ट्राइंगल्स की संख्या निकालनी है जिसमें वो ट्राइंगल्स तुम्हें निकालने हैं तुम्हें वो ट्राइंगल्स निकालने हैं जिसमें जो ट्राइंगल बने उसमें पॉलीगन की कोई भी एक साइड भी इंक्लूड ना हो मतलब सपोज मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दू तो ये बना सॉरी ये ये जो बना ए जी ई इनको इस टाइप के ट्राइंगल चाहिए देखो ए जी ई जो ट्राइंगल बना है हमारा ट्राइंगल ए जी इसमें पॉलीगन की कोई भी साइड इंक्लूड नहीं की गई है इन्होंने ये बोला है क्वेश्चन में कि पॉलीगन है जिसकी दस साइड्स हैं ठीक है और हमें ऐसे ट्राइंगल्स की संख्या फाइंड करनी है नंबर ऑफ ट्राइंगल ऐसे फाइंड करने हैं जिसमें पॉलीगन की एक भी साइड इंक्लूड ना हो रही हो यह है क्वेश्चन ठीक है तो चलो भाई से करते हैं एक काम करते हैं पहले हम उन ट्राइंगल्स की संख्या निकाल लेते हैं मतलब वो ट्राइंगल्स निकाल लेते हैं जो अगर टेन साइड दियोगे तो उससे टोटल ट्राइंगल्स बनेंगे कितने अगर टेन पॉइंट दिए हैं तो मैंने बताया था अगर एन पॉइंट दिए तो उससे बनने हुए ट्राइंगल संख्या क्या होती है एनसी तो यहां पर कितने दिए हुए टेन टेन सी ठीक है टोटल ट्राइंगल्स तो ये आ गए टोटल जो ट्राइंगल्स बनेंगे वो ये आएंगे ठीक है? अब बात आती, इसमें तो वो ट्राइंगल्स भी इंक्लूड है जिसमें इसकी एक साइड इंक्लूड है, ठीक है तो चलो भैया देखना शुरू करते हैं अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा ठीक है अच्छा एक बात बताओ एक ऐसे अब हम वो ट्राइंगल्स चुनने वाले हैं हम वो ट्राइंगल सेलेक्ट करने वाले हैं जिसमें पॉलीगन की केवल एक साइड इंक्लूड हो रही है समझना हम वो ट्राइंगल सेलेक्ट करने वाले हैं जिसमें पॉलीगन की केवल एक साइड इंक्लूड हो रही है आप ये ले सकते हो ए बी बिल्कुल ले सकते हो ठीक है ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो ले सकते हैं या इसको एक सेकंड के लिए यहां पर रोक देते हैं हम वो ट्राइंगल सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हम ट्राइ जिसमें पॉलीगन की दो साइड्स ले रहे हैं हम वो ट्राइंगल्स ले रहे हैं जिसमें पॉलीगन की कितनी साइड्स इंक्लूड है दो साइड्स

और उसके बाद ट्राइंगल क्या होगा आईजी इसके अलावा और कोई ट्राइंगल ऐसा नहीं बनेगा जिसमें पॉलीगन की आपकी दो साइड इंक्लूड हो ठीक है आपको इसके अलावा और कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा जिसमें पॉलीगन की दो साइड इंक्लूड हो तो मैंने वो ट्राइंगल निकाले जिसमें पॉलीगन की दो साइड इंक्लूड हो ठीक है पॉलीगन की दो साइड इंक्लूड हो जरा गिनना शुरू करते हैं वो कितने आएंगे ठीक है वो कितने आएंगे गिनना शुरू करते हैं जरा देखो ए बी सी आएगा एक तो ए बी सी आएगा ठीक है दूसरा क्या आएगा बी सी डी आएगा ठीक है तीसरा क्या आएगा सी डी ई आएगा चौथा क्या आएगा बीई एफ आएगा पांचवा क्या आएगा ई एफ जी आएगा छठवा क्या आएगा एफ जी एच आएगा सातवा क्या आएगा जीएचआई आएगा आठवां क्या आएगा एच आई जे आएगा ठीक है और नवा क्या आएगा आई जे ए ठीक है हमने एक ट्राइंगल इसमें कहीं मिस कर दिया है ए बी सी ले लिया बी सी डी ले लिया सी डी ले लिया डी एफ जी ले लिया एफ जी एच ले लिया जी एच आई ले लिया एच आई जे ले लिया आई जे ए ले लिया ठीक है गिनो जरा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ ओके मिस्ड वन और एक होगा तुम्हारा जे ए बी ओके ध्यान दे दिया था मैंने ठीक है तो टोटल टो दस ट्रा बन गया आपके एक बन गया ए बी सी देखो इसमें दो साइड्स हैं इंक्लूड एक ए बी और एक बी सी ठीक है उसके अलावा अगर आपने बी सी डी लिया होगा सपोज तो इसमें भी दो साइड इंक्लूड है बीसी और सी डी फिर अगर आपने सी डी ई लिया होगा तो इसमें भी दो साइड इंक्लूड है सी डी तो इस तरह से कितने ट्राइंगल्स आए दस तो हमने वो ट्राइंगल्स की संख्या निकाल ली जिसमें पॉलीगन की दो साइड इंक्लूडेड है और वो कितनी होंगी टेन इसमें किसी को दिक्कत हो इतने में तो बताए ठीक है।, है हमने वो साइड्स ले ली कि जिसमें पॉलीगन की दो साइड इंक्लूड है हमने वो ट्राइंगल्स निकाल लिया जिसमें पॉलीगन की दो साइड इंक्लूड है ठीक है अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ठीक है मैं पॉलीगन को फिर से ड्रॉ कर लू थोड़ा गंदा हो गया ठीक है देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ठीक है देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ठीक है फिर तो नंबरिंग करते हैं ए बी C D C D E F G H I और जी ठीक है अब ये वाला ट्राइंगल अब हम वो ट्राइंगल्स निकालेंगे हम उन ट्राइंगल्स की संख्या निकालेंगे जिसमें पॉलीगन की सिर्फ एक साइड कवर है जिसमें पॉलीगन कितनी साइड कवर है सिर्फ एक साइड कवर है ठीक है तो अच्छा हम ए बी को पकड़ लेते हैं एक बार ठीक है ए बी को पकड़ते हैं तो ए बी के तुम्हारे कौन कौन से ट्राइंगल बन सकते हैं देखो एक ये ट्राइंगल बन सकता है ए बी डी ठीक है एक ट्रैंगल ए बी डी बन सकता है इसके अलावा एक ट्रैंगल ए बी ई e बन सकता है इसके अलावा एक ट्रैंगल ए बी एफ बन सकता है इसके अलावा एक ट्रैगल ए बी जी बन सकता है इसके अलावा एक ट्रैंगल ए बी एच बन सकता है और इसके अलावा एक ट्रैंगल ए बी आई बन सकता है तो तुम खुद समझ लो कि भाई सिर्फ बगल वाले कोऑर्डिनेट्स को नहीं पकड़ पाएंगे हम उसके अलावा सारे बन जाएंगे ए बी डी बनेगा ए बी ई बनेगा ए बी एफ बनेगा ए बी जी बनेगा ए बी एच बनेगा अगर मैं लिखना शुरू करूं, तो आपको समझ में आएगा जिसमें सिर्फ एक साइड इंक्लूडेड है तो ए डी बनेगा ए बी ई बनेगा ठीक है और उसके बाद ए बी एफ बनेगा ठीक है एक बनेगा ए बी जी बनेगा ठीक है और एक बनेगा ए बी एच बनेगा और एक बनेगा ए बी आई इसके अलावा और कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा आप देख लो मैंने लगातार तीन साइड्स वाले नहीं लिए क्योंकि वो यहाँ पर ही इंक्लूड हो गए अगर लगातार तीन वर्ट को पकड़ोगे तो वो ट्राइंगल बन जाएगा जिसमें दो साइड्स इंक्लूड होंगी ठीक है लेकिन हमें सिर्फ एक साइड इंक्लूड करनी है तो हमने क्या लिया है ए बी डी उसके जस्ट मतलब जस्ट नेबर वाले सिर्फ वर्टेक्स को छोड़ दो आप सी को छोड़ दो और जे को छोड़ दो बाकी सबसे बनेगा अच्छा जब हमने एक साइड पकड़ी तो उससे कितने ट्राइंगल बने हैं छः जब हमने एक साइड पकड़ी है तो उससे कितने ट्राइंगल बने हैं छः और हमारे पास टोटल साइड्स है कितनी दस एक साइड से छ तो टोटल साइड से कितने बनेंगे छ इंटू दस यानी सिक्सटी तो जरा इसको घटा दो तो टोटल ट्रायंगल ये थे एक साथ, दो साथ जिसमें कवर वो जिसमें एक साइड 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 दो इसमें कवर कवर हुई हुई जिसमें वो ट्राइंगल तो आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा टेन सी थ्री माइनस टेन माइनस सिक्स इंटू टेन इसका फाइनल आंसर होगा ठीक है अब बात आती है ये तो सिर्फ दस दी गई थी तो तुमने तो गिन लिया भाई कि साठ आएगा और दस आएंगे माइनस के लेकिन वहीं पर अगर वहीं पर अगर 10 से भी ज्यादा दे दिया अभी देखो 10 साइड्स का मैंने कवर किया तो डायग्राम इतना गंदा हो गया है ठीक है अगर 10 साइड से भी ऊपर का आएगा तो हम क्या करेंगे उसके लिए हम सीधा एक जनरल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ठीक है उस फार्मूले का जो फार्मूला होता है वही होता है एन सी थ्री माइनस एन माइनस एन माइनस फोर इन टू एन देखते भाई ये फार्मूला वैलिड है कि नहीं चलो चेक कर लेते हैं हमारे पास एन कितना था टेन था रखा हमने टेन सी थ्री माइनस टेन माइनस टेन माइनस फोर इंटू टेन यानी कि टेन सी थ्री माइनस टेन माइनस सिक्सटी ठीक है मतलब हमारा ये एक फार्मूला एकदम सही है यह फार्मूला उसके लिए होता है जब एक कोई पॉलीगन दिया हो जिसके एन साइड्स दिए हों या एन वर्टिस दिए हों तो उससे बनने वाले ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स जिसमें पॉलीगन की एक भी साइड इंक्लूड ना हो मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर दस साइड्स दी हैं तो दस वर्टेक्स होंगे दस वर्टेक्स होंगे तो उससे बनने वाले टोटल ट्राइंगल कितने होंगे टेन सी थ्री और इसमें से वो ट्राइंगल कौन से होंगे जिसमें पॉलीगन की दो साइड इंक्लूडेड होंगी वो तुम्हें एकदम अगल बगल वाले लेने होंगे ए बी बी सी 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 ले 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 लो B, C, ले लो C, D, e ले लो डी डी ई ठीक है उसके डी ई एफ ले लो इस तरह से लेते जाओगे कितने आएंगे दस और तुम्हें वो वो ट्राइंगल्स कवर करने होंगे जिसमें पॉलीगन की केवल एक साइड आई हो तो एक साइड के लो तुम्हें जब एक साइड को पकड़ोगे तो सिर्फ उसके नेबर के जो वर्टेक्स है उनको छोड़ दो जो नेबर के वर्टेक्स है केवल उनको छोड़ दो बाकी रिमेनिंग लोगे तो एक साइड वाले सारे के सारे आ जाएंगे तो एक साइड से छह तो बाकी साइड से सिक्स इंटू टेन ठीक है कि दस साइड्स होती हैं तो नंबर ऑफ टोटल ट्राइंगल्स कितने आएगा टेन सी थ्री माइनस माइनस टेन माइनस सिक्स इंटू टेन इसका डायरेक्टली फार्मूला होता है अब अगर आपको एन की जगह पंद्रह दिया हो तो आप यहां पर रख दो पंद्रह सी थ्री माइनस पंद्रह इंटू ग्यारह इंटू पंद्रह ओके सो यहां पर हमने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स और नंबर ऑफ डाइंगल्स वाला जो सेक्शन है उसको कवर कर लिया अब इससे टफ कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा हमने सारे सिनेरियोस को कवर किया हुआ यहाँ पर ठीक है तो एक तरह से ये पार्ट अभी यहाँ पे एंड होता है और यहीं पे हमारी वीडियो वीडियो खत्म हो रही है ठीक है और आप यहाँ पर अपने कमेंट्स डाल सकते हो अगर आपको कुछ भी इसमें दिक्कत आई हो जहाँ पर भी जिस जगह पर हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी थैंक्स थैंक्स एवरीवन